δελτίο Πεναρίθινα, πέρα. Πολ. Ζουκ το δεύμα τεραβικά. Perry, naughty Perry, my son. एक बात बताओ डार्लिंग, तुम्हारी बैचलर्स पार्टी कैसे चल रही है? एक छोटा सा स्यापा हो गया रैड. What? क्या? मेरी पार्टी में ना एक अनइनवाइटेड गेस्ट आई है. जानना चाहते हो कौन है? कौन? मेहर कॉट ढिल्लो डैड. वो वहां कैसे? डैड मेरी जासूसी कर रही थी. इसने छुपके से मेरा और स्वीटी का वीडियो बना लिया. उन्होंने छड्डा गानी में. Baby, listen to me, my son. अभी क्या भी? उस वीडियो को डिलीट करो. डिलीट इट. इससे पहले उस वीडियो को वायरल कर दे. ठीक है डैड. कूल. जल्दी. पकड़ो उसे भाई. बाकी कहीं चली चाहिए. को क्या जा? अरे वो भागी तो नहीं? ओ सुन, गाड़ियां निकालो. चप्पा चप्पा छान मारो. मेहर के मोबाइल में मेरा वीडियो है. I want everything, understand? और सुन, अगर वो नहीं रुकी ना तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दियो. समझा? मार दे उसे जान से. I want मेहर right now. Go. वो फिकर मत कर. आओ. ये परम जीत गया. परम जीरान भी जीत गया. पापा सोनियो बोलो ना. आओ सोनियो. क्यों परम पुत्र, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? परम को सब पता. आप चार पूछ के आ रहे हो परम को खुश करने के लिए. मैं मम्मी भी आपसे गेम्स में जान पूछ के आ रही है क्योंकि आप खुश हो जाओ. याद है आपको? वेरी गुड. मम्मा कम ऑन. मैं जी आज तो आप हार के ही रहेंगे. यस जीत गए. पापा जीत गए. मैजी इज अ लूजर. मैजी इज अ लूजर. मैजी इज अ लूजर. और जीत गए. बल्ले बल्ले जीत गए. जीत गए. सबसे ज्यादा जानता है. आप जान पूछ के आ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आपके पापा से बड़ी खुशी और बड़ी जीत मिल रही है. पापा मैं मम्मा जान पूछ के आ रही हूँ आपको खुद देखने के लिए. बल ऐसा है मैडम, ये हारने के बाद ना ज्यादा बहाने मत मारिए. सरबजीत सिंह गिल प्लेस्टेशन का चैंपियन था, है और हमेशा रहेगा. बड़े बड़े लोग मेरे पैर आके छूते थे और कहते थे ऐसा प्लेयर तो पैदा ही नहीं हुआ कभी. वैसे बात तो सही है, बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए. बुजुर्ग किसको कहते हैं? आपको. मैं और बुजुर्गों? जी. आपको पता है कई लोग मुझे परम का बड़ा भाई भी कहते हैं. अच्छा, लोग आपको परम का बेटा नहीं कहते? आपको मिलता क्या है मुझसे पंगा लेके? शांति, सुकून, खुशी. देखिए महर जी, अगर मैं पंगे लेने पे आ गया ना तो फिर कॉकरोच. मुझे क्या पता होगी गई. देखा परम पुत्र, आपकी अम्मा बेस्ट. पर बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट है. क्यों सोने हो? आओ सोनियो. Exactly. सब याद है परम पुत्र, सब कुछ याद है. बस रब से यही दुआ है कि एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले जैसा हो जाए. पापा वॉशरूम होके आते हैं. ओके. पापा परम भी अभी आए.
सरबजीत जी अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? सरबजीत जी प्लीज मुझे कॉल करिए। पापा अभी तक नहीं आए। आ रहा हूं पुत्र। रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज मुझे शनि मंदिर के बाहर वाले स्कूल के अंदर मिलिए। कोई वन स्माइली बेचता तो पर मुझको टू टू स्माइली बेचता है, कोई वन थम बेचता तो पर मुझको टू टू थम बेचता है, अब पर मुझको टू टू सरकार भेजेगा। परमुतर क्या कहा आपने? कोई वन स्माइली बेचता तो पर मुझको टू टू स्माइली बेचता है, कोई वन थम बेचता तो पर मुझको टू टू थम बेचता है। पापा अब भी ऐसा ही किया करो, बड़ा मजा आता है। आपने पहले भी ऐसा कभी किया है? हमें वन थम के बदले में टू टू थम भेजे? पंता हमेशा ही ऐसा करता है। सरबजीत जी दरअसल राणा कहाँ से आ गया बीच में? मैं आपको यही बताना चाहती थी सरबजीत जी कि राणा और नहर जी, मैं रात को 2 बजे यहाँ रिस्क लेके राणे की बात करने नहीं आया हूँ। सरबजीत जी को मुझे आपसे बात करनी थी। बात तो मुझे भी आपसे करनी है। सरब देखिए आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गिन्नी और गिन्नी तुम्हें होटल से मेहर नहीं भगाया था ना? मेरे पापी को मैसेज किया क्या मैं और राने भाग जाए, तो उनका मैसेज आया ओके हम भाग गए थे। गिन्नी का पहला मैसेज के मैसेजेस। मैंने ये मैसेजेस नहीं करे। बस मैच अब होती है झूठ बोलने की भी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस टाइम मतलब? यार गिन्नी इस टाइम मैं कहाँ जाऊँगा लेने? मुझे नहीं पता राने, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, बात खत्म। और अगर तू नहीं लेकर आया ना तो तेरा और मेरा रिश्ता भी खत्म। क्या? हाँ जी जरूर इस हथनी को इस वेले पिज्जा खाता। ये पिज्जा विज्जा खाती रही थी तो मेरे किचन का तो बजट हिल जाना है। ऐसे कमाल नहीं, क्या खा के पैदा किया है मैंने बताओ। इस वेले मजनू पिज्जा चाहिए। भाभी एक साथ 800 रुपया दो ना। क्यों क्यों चाहिए पैसे इस वेले? मम्मी जी और गिन्नी का मॉइस्चराइजर लेना। खैर तू छत्तर मारूंगी। सच बता पिज्जा खाना है ना हथनी को? ओ मम्मी जी सच्ची कह रहा हूँ, पिज्जा नहीं खाना, उसके वाला मॉइस्चराइजर लाना मुझे। अब राने इस टाइम कहाँ जाएगा? मेरे रूम में रखा है, वो लाके दे दे उसे। ओ पापी गिन्नी लोकल चीजें नहीं इस्तेमाल करती, इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल करती। इम्पोर्टेड देखा नहीं तभी उसका चेहरा कितना चमकता है। मैं चमकाती हूँ उसका चेहरा, रुक जा तू। और गिन्नी पुत्र बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। हीट ऑफ द मोमेंट पे मैंने सब कुछ सच समझ लिया। गॉड आई एम सॉरी मेहर जी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। पापा क्या हुआ? गेम खेलू ना? बिल्कुल बैटरी नहीं है और जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट है। मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज शनि मंदिर के पास वाले स्कूल के अंदर आ जाइए। और हाँ मेरे फोन की बैटरी नहीं है तो प्लीज चार्जर भी लेते आइएगा। महर जी मेरी बात तो सुनिए। महर जी महर जी सर एक सेकंड, मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, 2 मिनट बैठ जरा। दी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, मेहर जी बेकसूर हैं, उन्होंने गिन्नी और राणा को नहीं भगाया, बेवजह हमने उन पर शक किया। बेवजह? सर अब तूने अपनी आंखों से वो मैसेज देखे हैं जो मेहर ने गिन्नी को भेजे हैं, वो थम्स अप वो स्माइल। मैं आपको सब बताऊंगा,
लेकिन अभी मुझे भागना होगा, देयर समथिंग वेरी अर्जेंट। लेकिन सच सुनते ही आप महजी को गले लगा लोगे। बट पूरी बात के सुन, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जो बिना सुने चला गया, और वो भी इस टाइम। ओ गिन्नी पुत्र, आप मेरा चेहरा है ना वखरा नूर। ओ तेनू पता है जब पिंड में बत्तियां नहीं होती थी ना, तो मेरे चार छोटे छोटे बच्चे मेरे चमकते चेहरे की रोशनी से पढ़ाई लिखाई किया करते थे। वो चमक नूर ते लश्कारा ए तेल दा कमाल है। चल पुत्र लगा। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, आर यू सीरियस? मैं और ये तेल लगाऊंगी? नो है, मैं तेरे को फांसी चढ़ने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। ए लगा, कमाल का तेल है जी। नो थैंक्स। ओ कोई गल नहीं पुत्र, कांच का टूटना अच्छा शगुन होता है। मोटी हथनी, एक बारी ब्याह हो जाए फिर तेरे को पता लग रहा है कि कुलवंत कौर की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। मम्मी जी जल्दी आओ। ओ की होया है, कौन मर गया है? मम्मी जी वो मिनी आंटी है। मम्मी, मिनी मर गई? मम्मी मम्मी नहीं, मम्मी जी मिनी आंटी आई है। ओ मिनी जी, ओ वाह जी वाह, ओ धनबाग साडे। सस्रीकाल जी, सस्रीकाल। अचानक मम्मी जी, मैं इनके लिए चाय लेके आ रही हूं। हां हां जा पुत्र, विदाउट शुगर। हेल्थ कॉन्शियस आंटी जी। नाइस जी, अभी आती हूं। की गल है मिनी जी, अचानक? हाँ अचानक, की करिए, खुशी के कारण रो ही नहीं गया। पहली टिकट कटाई और कनाडा से फटाफट यहाँ। ओ बिल्कुल जी बिल्कुल जी, कुड़ी का भी आए और माँ नहीं आए, ऐसा कभी हो सकता है जी? ना जी, हम तो जी पैसे लेने आए। पैसे? हाँ। 2 करोड़ आंटी जी, फोन पे बात हुई थी ना मॉम? हाँ आप तो बस हमारे पैसे दे दो, बहुत काम है जी। आंटी जी, फिर हमें शादी की तैयारियां भी करनी है घर जाके। सरबजीत जी प्लीज जल्दी आइए। गॉड। महजी। सरबजीत जी। क्या हुआ, आप यहाँ इतनी रात गए और वो भी अकेले इन कपड़ों में? ये बताइए कि आप चार्जर लेकर आए? देखिए मैं जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे अभी भी पता चला। सारी बातें बाद में, मुझे आपको कुछ अर्जेंटली दिखाना है। आप चार्जर लाए? या इट्स इट। सरबजीत जी, ये लग क्यों नहीं रहा है? लीजिए लाइए। ओ गॉड, सरबजीत जी। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं यार छिपती छिपाती है और आपने आते ही ना लाइट भगा दी है। मैंने भगा दी? और नहीं तो क्या, आप ही ने तो भगाई है। किससे छिपते छिपाते हैं यहाँ? सरबजीत जी, गाड़ी इसकी यहीं खड़ी है, यहीं कहीं छुपी होगी। देख महजी, महजी आखिर बात क्या? महजी होना क्या है जी? आपने कहा था आप 2 करोड़ रुपए दोगे, तो बस हम वो 2 करोड़ रुपए लेने आ गए। एक्चुअली उस 2 करोड़ रुपए की वजह से ही तो मैं अपनी बेटी की शादी के लिए मानी थी। ओ जी वंडरफुल जी वंडरफुल। ओ मिनी जी, 2 करोड़ आपके लिए और मेरे लिए बड़ी मामूली रकम है।
हत्ता दी मैल। करेक्ट। तो आप तो जी एक काम करो, अपनी ये हाथों की मैल ना हमें दे दो मेहरबानी करके। ओ मिनी जी, तुहानू पता नहीं ए अटारी है पिंड, इस वेले कोई बैंक खुला ही नहीं होएगा। ऐसी स्वेर होएगी मैं 2 करोड़ आपके मुंह पे मार, अब मेरा मतलब है आपके हाथ में रख दूंगी। आंटी जी पक्का ना? ले ओ बस। ठीक है जी, फिर हम कल सुबह आते हैं। लेट्स गो मॉम, चलें। सत श्री अकाल। एक मिनट बैठ जा। तसल्ली करनी है। तसल्ली? तो क्या कुलवंत कौर जी, सिर्फ तसल्ली के लिए पूछ रही जी, आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है ना? 2 करोड़? मिनी जी, 2 करोड़ की गल की कर रहे हो? बहुत है जी, उससे बहुत ज्यादा है। वेरी गुड जी, तो बस फिर आप अपनी पासबुक दिखा दो तसल्ली के लिए। पासबुक मेनू लगता है हो गई। कोई ना जी, आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे हो जाता है, मोबाइल पे बैलेंस पता लग जाता है जी। आप मुझे ना मोबाइल पे अपना बैलेंस दिखा दो तसल्ली के लिए। फाइल पे? अब ओ जी, फोन पासबुक गया खड्डे में। मैं डायरेक्ट जी मैनेजर को फोन लगवाती हूँ। है एक मिनट जी, स्पीकर फोन पे लाना जी तसल्ली के लिए। हाँ, ओ क्यों नहीं। सत श्री अकाल सरपंच जी। ओ सत श्री अकाल, सत श्री अकाल मैनेजर साहब। इस वेले फोन किया, सब ठीक ते है ना? ओ बाबा जी दी मेहर है, बस मैनेजर साहब मैंने पूछना था मेरा बैलेंस कितना है जी। जी एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर आपकी एफडी वगैरह मिला के सब कुछ 15-16 करोड़ तो होगा ही। अच्छा अच्छा अच्छा। इस वेले फोन किया, कोई खास वजह? ओ नहीं जी नहीं, मैं सवेरे बैंक आके 2 करोड़ निकालने ने, तो मैं जी निकालने के लिए आऊंगी। अच्छा जी, चंगा जी, सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल। वो भी तसल्ली। बिल्कुल रॉबी, खड़ा हो भाई, घर जाना है, कल सवेरे वापस भी तो आना है ना। जी जी मॉम, चलो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। 16 लाख करोड़। आओ मॉम। औकात देखो रुड़ जानी मिन्ने की, सरपंच कुलवंत कौर से 2 करोड़ मांग रही थी। वाह जी वाह, वंडरफुल जी वाह।